सारे किसान भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों फिर किसान चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे लोडर, जो छोटे किसान भाई हैं, जो ट्राली वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए ये काम की चीज़ है। आज आपको लोडर दिखाया जाएगा तथा इसके फंक्शन और इसकी जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से ये काम करता है। तो किसान भाइयों आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि पूरी जानकारी आज के जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें। तो आइए दिखाते हैं आपको किस प्रकार से ये काम करता है। तो किसान भाइयों ये लोडर है, ये लोडर इस प्रकार से बना हुआ है। आज इसके फंक्शन और इसकी कार्रवाई दिखाएंगे कि ये काम कैसे करता है। किसान भाइयों ये जो है लोडर है, यह है जय बालाजी एग्रो काला वाड़ी सिरसा हरियाणा का बना हुआ है। ये उनके फ़ोन नंबर है, आप इसको चाहे तो ख़रीद सकते हैं। अपा ने तो सेकंड हैंड लिया था, ये 22-23 का मिल गया था। नया लोडर जो है यह लगभग आपको 28,000 का 27-28,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। तो आइए दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए ये इस प्रकार से काम करता है, जैसे मिट्टी डालनी है, कूड़ा डालना है, या फिर आपने ट्राली वगैरह का काम करते तो अपनी ट्राली जो है आप इस तरह से खड़ी करके एक जगह पर इस तरह से लोडर से अपनी मिट्टी जो है भर सकते। देखिए कितना ऊंचा उठ गया है, बिल्कुल आराम से आप इसको ट्राली के अंदर मिट्टी भर सकते हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से डाल रहा है। इस प्रकार से किसान भाइयों ये लोडर जो है आपकी ट्राली भर देगा। इस प्रकार से ज़्यादा नहीं, 20 बकेट में आपकी ट्राली जो है भर जाएगी। आप देखिए इसको, ये जो है मिट्टी डालने के लिए, या फिर जैसे आपका कोई फार्म वगैरह है, फार्म से आपने जो गोबर की खाद वगैरह डालनी है, जैसे हमने गोबर की खाद इसी केचुआ फार्म में इसी से डालते हैं। ये आपके सामने इस तरफ भी डली हुई है, आप देख सकते हैं। इस तरफ भी जो है गोबर की खाद इसी तरफ से डली हुई है। तो आप देखिए किस प्रकार से भरता है। ये इस प्रकार से भरता है, लिफ्टों के साथ जुड़ा हुआ है, और ये इस प्रकार से जो है मिट्टी के अंदर धस जाएगा और उठा लेगा। तो किसान भाइयों ये देखिए आपके सामने है। तो अगर आपका ट्रैक्टर ज़्यादा वो है, पावरफुल है, तो ये ज़्यादा आप भर करके डाल सकते हैं। बकेट का साइज भी जो है फुल भर करके आ जाएगा। देखिए आपके सामने है, ये इस प्रकार से ये मिट्टी को डालता है। तो किसान भाइयों अपने पास तो भाई चला रहा है, इसके पास फोर्ड 3600 है, यानी कि पुराना मॉडल है। तो ये जो आप पुराने मॉडल के हिसाब से ये थोड़ा सा कम इसको यूज़ कर रहा है। तो आजकल ट्रैक्टरों में ज़्यादा पावर है तो आप भर के भी प्रयोग कर सकते हैं। बुकेट का साइज़ भी आप बड़ा बनवा सकते हैं अपने हिसाब से। तो किसान भाइयों देखिए आपके सामने है, इस प्रकार से ये जो है मिट्टी भर करके अपने आप देखिए भरा हुआ, लगभग थोड़ी सी कमी है इसमें। तो इस प्रकार से जब ये मिट्टी थोड़ी जमी हुई है, इसलिए थोड़ा सा खाली रह गया है। जब मिट्टी जमी हुई ना होगी, आप मान लो बांध वगैरह कर रखा होगा, तो आप उसको इस प्रकार से भर करके इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अभी आपको इसके फंक्शन दिखाते हैं किसान भाइयों की ये फंक्शन क्या क्या है। इसके अंदर किसान भाइयों एक पंप लगा हुआ है, पंप के सहारे ये लिफ्टों से जुड़ करके काम करता है। अभी आपको इसके फंक्शन दिखाएँगे हम। तो किसान भाइयों देखिए आपके सामने हैं, ये इस प्रकार ये पिछली साइड जुड़ेगा लिफ्टों में। ये देखिए आपके सामने है। तो ये देखिए, यानी कि अगर मिट्टी फोली होती तो ये बिल्कुल भरा हुआ जाता। ये मिट्टी कई दिन की पड़ी थी तो जमी हुई है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। इसको ट्रैक्टर के टायर पुराने हैं, इतना जोर लगा नहीं पा रहे हैं। ये यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से इस प्रकार से करना होता है, ये इस तरफ से कर दिया जाता है तो ये फिर अपने आप मिट्टी छोड़ देता है। अगर आपने लेना है, आप छोटा काम करते हैं, तो आप काला वाड़ी से मंगवा सकते हैं। आपके पास मंगवाने का जो है इनका फ़ोन नंबर है। आप इनको जो रेती बजरी का काम करते हैं उनके लिए भी एक बढ़िया काम है, यानी कि एक ट्रैक्टर से आप आराम से काम ले सकते हैं। अगर कोई भाई ट्राली का काम करता है, ज़्यादा काम नहीं है, तो अपनी ट्राली के काम के लिए लोडर को प्रयोग कर सकता है। एक ट्रैक्टर ट्राली और ये 25-30 हज़ार रुपये का जो लोडर आता है, ये जो आपका फिर बढ़िया काम करेगा। ये देखिए आपके सामने है, इस प्रकार से ये भर करके डाल रहा है। यहाँ पर आपको मजदूरों से ट्राली भरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो है इस प्रकार से अपने आप ही इसको भर सकते हैं। एक मज़दूर जो है लगभग 300 रुपये भराई और 300 रुपये रिताई लेता है, तो आप अगर गोबर की ट्राली हो तो और भी ज़्यादा मांग लेते हैं, तो आप अपने आप इसको भर सकते हैं बिल्कुल आराम से। हम जो फार्म वगैरह में इसी से गोबर डालते हैं और मिट्टी का काम हो तब भी इसी से काम करते हैं। देखिए आपके सामने है इस प्रकार से, ये देखिए। और बान की मिट्टी जो है और आसानी से बिल्कुल बढ़िया उठा सकता है ये। तो अभी आपके इसको फंक्शन बताएंगे कि इसके फंक्शन कैसे कैसे हैं और क्या क्या काम करते हैं। रोक दे भाई। किसान भाइयों राम राम है। आज मैं आपको इस ऑटोमेटिक लोडर का फंक्शन बताऊंगा। किसान भाइयों इस लोडर का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सस्ता बहुत है। जो आप ये ट्रैक्टर पर अटैच करवावा हाँ वह 70,000 80,000 लाख रुपए के आवे हैं, और फिर उनमें ट्रैक्टर भी रुक जावा है, आप उससे दूसरा काम नहीं लेने पाते। इसका फ़ायदा ये है जो 2 मिनट में जोड़ दिया। दिखाओ भी भाई साहब इनको, भाई सीधा लिपट में जुड़ेगा यो, एक ऊपर तक टॉप लिंक जुड़ जाओगी, इसके जो साथ में वो है नीचे जुड़ जाओगा। अच्छा ये जो ट्रॉली उठाने का डंपर उठाने का काम आया कर है, जो अपनी पाइप है हाइड्रोलिक पाइप है, उससे इसका लग जावा है, तो जोड़ने का सिर्फ यही फंक्शन है इसका। तो किसान भाइयों ये इस प्रकार से लिपटों में डल जाएगा, जैसे ये डला हुआ दोनों साइड से। ऊपर जो है इसका ये फंक्शन जो है यहाँ पर जुड़ जाता है, ये देखिए आपके सामने जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से जोड़ना आसान है, हाइड्रोलिक पाइप से ये जुड़ जाएगा। उसके बाद जो है आपका ये पंप और फिर इसमें ये पंप लगा हुआ है, जैसे ही आप उठावाएंगे तो पंप काम करना शुरू करते हैं। जो पहले सादे बनते थे उनमें पंप नहीं था, लिफ्टों से काम करता था। लिफ्टों तो काम कराया करता तो फिर वो ट्रैक्टर का जो पंप था उस पर ज़्यादा लोड पड़ा करता और वो ट्रैक्टर का पंप जल्दी मरा करता। लेकिन अब जो ये मिस्त्री हैं जय बालाजी एग्रो वाले काला वाड़ी है जो सिरसा में, इनकी पंप लगा दिया, इसका इसमें सुधार कर दिया। अब ट्रैक्टर स्लो रेस में भी चलेगा और उस पंप ने जोर भी नहीं आता। ये पंप ऑटोमेटिक काम कर रहा है। और इसका फिर रिताने के लिए ये वो है, जैसे ही यहाँ पे जामी डालना हो इसको खींच देंगे तो इधर तक लोग निकल जाओगा और ये गिर जाओगी। तो इसका लॉक सिस्टम दिया हुआ है। इसका लॉक सिस्टम है, जैसे ही यह खाली हो जाओगी तो इसका वेट कुछ इस तरह से है, ये भरी है तो आगे की तरफ गिरेगी और जैसे ही खाली होते ही ये वापस आएगी। वापस इसको ये स्प्रिंग खींचेगा, जो इसमें स्प्रिंग दे रखा है इसको वापस खींचेगा और खींचते ही ये लॉक लग जाओगा इधर। तो इसमें पूर्ण तरह ऑटोमेटिक काम करेगी। तो ये स्प्रिंग किस चीज़ का है? ये तो लॉक का स्प्रिंग है जी। अच्छा ये लॉक लगाने के, किसान भाई ये लॉक लगाने के लिए ये स्प्रिंग है और ये वाला स्प्रिंग है स्प्रिंग लोडर को वापस अपनी पोजीशन में लाने खातर। अच्छा ये वाला स्प्रिंग इन्होंने, ये स्प्रिंग काफ़ी मजबूत दिखता है, ये भी ये काफ़ी बढ़िया सिस्टम लग रहा है मेरे को। हाँ इसमें एक छोटी कमी थी कि जैसे अब जोड़ना और छोड़ना बड़ी मुश्किल होया करता, उसके लिए हमने एक इसमें जुगाड़ बनाया है। भाई जैसे जोड़ने की कोशिश करते या तो ये पंप बंद होने लग जाता या फिर ये खुलने लग जाता, खुल गया तो बंद को नहीं हुआ, तो ये एड द अटैच में बहुत दिक्कत आओ थी। फिर ही हमने एक एड और जुगाड़ बना दिया, जैसे ही अपन काम नहीं करना तो आप इतनी लॉक कर देंगे, ये पंप काम करना बंद कर देगा और जिससे फिर आप इतनी आराम से जोड़ छोड़ सका। तो किसान भाइयों ये इस प्रकार से लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद जो है पंप काम करना बंद कर देगा, ये पंप काम करना बंद कर देगा, जिससे जोड़ना छोड़ने में आसानी हो जाएगी। अच्छा जब काम करना हो तो आप ये लॉक हटा दोगे? हाँ इधर से ये लॉक हटाया, सीधा सिस्टम है और इसको इधर कहीं भी अटैच कर दिया। अच्छा बस फिर ये लोडर काम करने लग जाएगा बढ़िया तरीके से। ये सिंपल सा और सस्ता जुगाड़ है किसान भाइयों। यदि आपका ये पसंद आवे तो लाइक करियो। तो किसान भाइयों इस प्रकार से ये लोडर है। अभी आपने इसके फंक्शन देखे और इसका काम देखा। काम और फंक्शन देख करके आप कमेंट करके बताएं कि क्या ये आपको पसंद आया। काम कर सकता है। कूड़े के बगैर किसी नाली वगैरह में मिट्टी डालनी है तो वहाँ भी ये काम कर सकता है। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अन्य साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, राम राम।